अब तक जितनी भी अर्निंग की है दोस्तों, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने यूट्यूब से जो अर्निंग की है, वेलकम टू एग्जाम सेंटर 2.0, मैं अभिषेक एग्जाम सेंटर 2.0 में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। यह Q&A वीडियो होने वाली है दोस्तों, कुछ दिनों पहले आने वाली थी ये वीडियो, थोड़ी सी डिले हो चुकी है, सॉरी गाइस। अब दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं, मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस इस वीडियो में पिक किए हैं, आई होप आपके क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चन का वहाँ पर आंसर आपको दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आगरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों का रिजल्ट कब अपलोड करेगी, राजा बाबू ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सकें। तो राजा बाबू का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबको प्रमोट कर दिया गया है राजा बाबू, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब जो प्रमोशन आप लोगों को मिलेगा वो किस आधार पर दिया गया है, अगर आप लोग सेकंड ईयर में हैं तो आप लोगों को थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। अब वहाँ पर आपका फर्स्ट सेकंड ईयर में अगर आप लोग हैं तो आपका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, जब आप लोग थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देंगे उसके बेस पर आप लोगों को सेकेंड ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो और जैसे फर्स्ट ईयर के हैं तो आप लोगों को सेकंड ईयर की जब एग्जामिनेशन होंगे उसके आधार पर आप लोगों को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, अभी तक कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है और आगे भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल अग्रवाल जी का, सर आगरा फर्स्ट ईयर में हूँ, कुछ एग्ज़ाम हो गए हैं तो उनका रिजल्ट कब आएगा। आप लोग आपके अगर कुछ एग्ज़ाम्स हो गए हैं, कुछ आपके रह गए हैं, तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम जो आप लोगों के हो चुके हैं उनको ही उनके बेस पर आपको उनके मार्क्स दिए जाएंगे, और बाकी जो एग्ज़ाम नहीं हुए अगर फर्स्ट ईयर में तो आपको प्रमोट करके नेक्स्ट सेक्शन में आपको नेक्स्ट ईयर में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोया खान का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कब होंगे, OMR पर होंगे या फिर प्लीज़ बताइए OMR होंगे या फिर आप लोगों के डेस्क्रिप्टिव होंगे, इसका अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट नहीं की गई है। शायद कुछ र्यूमर्स बन रहे हैं कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनके टाइमिंग कम की जाए और क्वेश्चंस भी कम उसमें पूछे जाएं आप लोगों के एग्जामिनेशंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस KSG का, भाई आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, प्लीज़ टेल मी। तो प्रिंस KSG अभी तक मेरा जो चैनल है मोनेटाइज नहीं हुआ है, अगर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को एड्स देखने को मिलेंगे, जब एड्स देखने को मिलने लगेंगी आपको तो समझ लेना कि मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट किया है अमरजीत जी ने, सर BEd सेकंड ईयर 2018-2020 पेपर ऑफलाइन के ऑनलाइन होंगे, सर बताइए। जो आपके BEd फर्स्ट ईयर में है अगर आप, तो आपको प्रमोट कर दिया गया सेकंड ईयर के बेस पे, आप लोगों को BEd के फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे, और पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे अभी तक इसकी भी पुष्टि कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ विश्वास जी का, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन एग्जाम्स अड्डा, ये आई एम प्रेटी हैप्पी दैट फाइनली सुप्रीम कोर्ट इज विद दोज स्टूडेंट्स हु वॉन्ट्स टू गेट मार्क्स बाई मेकिंग हार्ड वर्क। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के एग्ज़ाम्स के ऊपर मोहर लगा दी गई है, ठीक है, उनके एग्ज़ाम्स करवाए ही जाएंगे। तो इनका कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि जो बच्चे हार्डवर्क करके अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया है कि एग्जामिनेशन करवाए जाएँ, फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट ना किया जाए। तो ठीक है, थैंक यू सौरभ विश्वास जी। नेक्स्ट कॉमेंट है साहिबा शेख का, सर BEd के एग्ज़ाम नहीं होंगे ना अब, तो BEd फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे, BEd सेकंड ईयर के आप लोगों के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, ठीक है साहिबा शेख जी। नेक्स्ट है कॉमेंट दिव्या तिवारी, थैंक यू फॉर अपडेट और फ्यूचर में भी अपडेट करते रहना सर, मोस्ट वेलकम, मैं फ्यूचर में भी ऐसे ही आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, आप लोगों के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे आप लोगों को हर तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉमेंट किया है नियति शर्मा ने, सर फर्स्ट ईयर वालों का क्या होगा, फर्स्ट ईयर आपने अभी यहाँ पर मैंने आपको बता चुका हूँ फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन होंगे और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जितने भी स्टूडेंट हैं सबका सबको प्रमोशन दिया जाएगा उनके नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के बेस पर, ठीक है।
नेक्स्ट पूछा है नमन कुमार सिंह जी ने, सर प्लीज प्राइवेट वाले भी प्रमोट होंगे प्रीवियस ईयर बताइए प्लीज। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, प्राइवेट हों या फिर रेगुलर हों, सबको प्रमोट किया जाएगा। बस शर्त एक रहेगी कि आप लोगों को, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर की जब जैसे भी मार्क्स आएंगे उसके बेस पर आप लोगों को फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मोहम्मद शोएब, वीडियो की आवाज़ शुरू में तो हल्की आती है लेकिन अंत में तेज आती है, ठीक है मोहम्मद शोएब जी, इस प्रॉब्लम को भी मैं रिजॉल्व कर दूंगा, आपसे ऐसा आगे से नहीं होगा। नेक्स्ट अरुण सिंह जी पूछ रहे हैं, BAMS आगरा यूनिवर्सिटी से हैं, थर्ड ईयर स्टूडेंट हूं मैं, क्या हम प्रमोट होंगे? तो थर्ड ईयर आप लोगों के फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे, बाकी सबको प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रेहान खान जी का कमेंट है, यार टेलीग्राम पर आप जिस फोटोज़ को दिखाते हो उनको भी तो डाला करो, कौन से न्यूज़पेपर्स में आए हैं न्यूज़ वो तो बता दिया करो आप। तो जो भी न्यूज़ मैं आपको देता हूँ मोस्टली हिंदुस्तान के अखबार से आप लोगों को न्यूज़ मैं प्रोवाइड करवाता हूँ, और मैं कभी कभी बता देता हूँ, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, उसके लिए सॉरी, ठीक है। टेलीग्राम पर आप लोग मुझसे अटैच हो सकते हैं, वहाँ पर मैं सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। नेक्स्ट हरिओम शर्मा और आकांक्षा गुप्ता दोनों का सेम क्वेश्चन है, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या फिर रिटेन, ठीक है पता चले तो बता देना मुझे भी, आकांक्षा गुप्ता और हरिओम शर्मा। मैंने अभी आपको बताया था पहले कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या फिर रिटेन होगा, इसका अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया, जैसा भी आएगा मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है गाइज। रूमर्स बढ़ रहे हैं कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें ड्यूरेशन कम किया जाए और क्वेश्चन भी थोड़े से कम किए जाएँ, ठीक है जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट प्रशांत सिंह जी, हेलो प्रशांत सिंह जी, निशा सोलंकी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSc प्रीवियस का क्या होगा? सॉरी फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे और बाकी सबको प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट कॉमेंट किया है निधि सिसोदिया ने, BSc फाइनल ईयर के पेपर कब से स्टार्ट होंगे, ओल्ड पैटर्न पर होगा? तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे ओल्ड पैटर्न पर होगा या फिर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, किस तरह का होगा अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है निधि सिसोदिया जी, ठीक है जैसा भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म तुरंत ही कर दूंगा। नेक्स्ट मनोज कुमार जी पूछ रहे हैं, कोई भी न्यू अपडेट होने पर तुरंत वीडियो बना देना। ओके मनोज कुमार जी, मैं तुरंत ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए, सभी तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाती हैं, आपके एग्जाम्स कब से हैं, कब आपका एग्जाम शेड्यूल आया है, कैसे एग्जाम होंगे, सब तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। नेक्स्ट प्रशांत चौहान जी हैं, सर BA सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं होंगे क्या, रिप्लाई करना सर। तो BA सेकेंड ईयर के आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, BA सेकेंड ईयर वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट नहीं किया गया है, उनके एग्जामिनेशन होंगे, और सेकेंड ईयर के अगर आप हैं तो आपको प्रमोट कर दिया गया है। नेक्स्ट तान्या कुमार जी हैं, सर हरियाणा में BEd फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं? BEd सेकेंड ईयर में वाले बच्चों का पेपर होगा, उनके एग्जामिनेशन करवाए जाएंगे, फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया गया है लेकिन मार्क्स आपको सेकेंड ईयर के बेस पर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अफरोज आलम जी का, ये तीन कमेंट किए हैं इन्होंने कंटिन्यू, ठीक है सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? सर जरूर रिप्लाई करिएगा प्लीज़ सर रिप्लाई, ठीक है सेकेंड ईयर में हैं आप तो आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा अफरोज आलम जी, ठीक है। और शर्त एक ही रहेगी, आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो थर्ड ईयर के बेस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, रिजल्ट अभी आपका जारी नहीं किया जाएगा। आगे प्रियाव्रत सिकरवार जी हैं, सर अपना नंबर सेंड कर दो। सॉरी प्रियाव्रत सिकरवार जी, आपको नंबर सेंड नहीं कर सकते, आप मुझसे अगर जुड़ना चाहती हैं पर्सनली तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ पर आकर मुझसे आप अटैच हो सकते हैं, हर तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर मोस्टली एक्टिव रहता हूँ तो आपके सभी क्वेश्चन का वहाँ पर आंसर दे देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पर रेगुलरली नहीं रह पाते हैं तो वहाँ पर आपके कमेंट्स रह जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है प्रिंस KS जी द्वारा से पूछा है इन्होंने, आप यूट्यूब से कितना पैसा कमाते हैं? अब तक जितनी भी अर्निंग की है दोस्तों आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने यूट्यूब से जो अर्निंग की है बिल्कुल भी अर्निंग अब तक नहीं हुई है, क्योंकि जो मेरा चैनल है अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, जब तक मोनेटाइज चैनल नहीं होता है तब तक कोई भी एड्स नहीं आते हैं, और यूट्यूब के ऊपर एड्स से
इनकम होती है, तो अब तक मेरे पास जो भी इनकम हुई है बिल्कुल जीरो हुई। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अब दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब जो भी क्वेश्चन आपका, अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रह गया है क्वेश्चन आपका, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जरूर दे दूंगा। अगर सभी क्वेश्चन को पिक करता तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। मैंने मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस पिक किए हैं, बहुत सारे लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है उसको पिक किया था, उसका आंसर आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय वीडियो के बारे में जरूर देना। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर क्लिक कर लें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।